لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد. अब जन्नत के फलों की बरकत के बारे में भी जरा बात करते हैं। इस जमीन में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से एक हदीस आती है कि सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको दौरान नमाज देखा। अब ये नमाज कसूफ थी, इसके दौरान देखा कि आपने अपनी जगह पर कोई चीज ली है, फिर हमने आपको देखा कि आप वो चीज लेने से रुक गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत देखी और इसके एक खोशे को लेना चाहा, अगर मैं इसे तोड़ लेता तो जब तक दुनिया रहती तुम लोग इसे खाते रहते। अल्लाहु अकबर। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो जन्नत के फल का एक खोशा इतना बड़ा है या इतना बरकत वाला है कि अगर यहाँ आ जाता तो सहाबा किराम की जमात क़यामत तक इसे ख़त्म ना कर सकती। इसी तरह जन्नत के फलों के एक खोशे के बारे में एक और हदीस आती है, इसको इमाम अहमद रिवायत करते हैं, ये भी दर्जा सही की रिवायत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने जन्नत और इसमें मौजूद सारी नेमतें लाई गईं, यानी कि फल फूल और सरसब्ज व शादाबी। मैंने इससे तुम्हारे लिए अंगूर का एक खोशा लेना चाहा, लेकिन रोक दिया गया। अगर मैं वो खोशा तुम्हारे लिए ले आता तो ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक इसे ख़त्म करने के लिए खाती, लेकिन ख़त्म न कर पाती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो जन्नत के अंगूर के एक खोशे का हाल है, क्योंकि जन्नत में किसी चीज़ को दबा भी नहीं, ख़त्म ही नहीं होनी। तुम खाते जाओ वो होगी वैसी, उतनी रहेगी। इन बरकात और समरात को मुसलमान ताज्जुब नहीं करता इनमें, इसमें ईमान हो ना उसको ताज्जुब नहीं होता इन पर। क्यों? क्योंकि देखो ना, हजार हा साल से जमजम पी रहे हो, अल्लाह के फजलो करम से फिर भी आ रहा है, सुभान अल्लाह। और जाके देखो तो जमजम की हाइट इतनी कम है कि बंदा खड़ा हो जाए उसमें, लेकिन अल्लाह का फजल है, लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने इसे पिया है और पीते जा रहे हैं, और अल्लाह के फजलो करम से बाकी है, सारी दुनिया उससे मुस्तफीद हो रही है। रमज़ान और हज में तो लाखों के लोग आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, पीते हैं, ले जाते हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, रमज़ान प्रोसेस हो रहा है, डब्बों में भर रहा है, दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से बिला रोक टोक आ रहा है। तो सबसे बड़ी मिसाल इसकी यही है दुनिया में, समझ लो कि जब किसी चीज़ को अल्लाह ताला रवा कर दें तो फिर वो रवा रहती है, ख़त्म नहीं होती। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।